हेलो लर्नर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सोल्युबिलिटी। क्या होता है सोल्युबिलिटी? ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व हो। अगर हम बात करें किसी सोल्यूट की, तो उसकी क्या हो, मैक्सिमम अमाउंट यानी कि उससे ज्यादा अमाउंट उसमें डिजोल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे कि वाटर है, तो वाटर में जो सोल्युबिलिटी है वो अलग हो सकती है, इथेनॉल में जो सोल्युबिलिटी है वो अलग हो सकती है। इसलिए हम यहां पर जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा, स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो सोल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में हम अगर हम बात करें, तो जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। अगर मान लो हम उसमें और सोल्यूट मिला रहे हैं तो क्या होगा, फिर सोल्यूट के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, और क्रिस्टल बनकर वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मान लो एक कप वाटर है, उसमें आपने एक चम्मच शुगर डाल दी, फिर दो चम्मच शुगर डाल दी, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी और हमें शुगर के क्या दिखाई देंगे, क्रिस्टल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, डिजोल्यूशन के बेस पर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं, अभी वह सेचुरेट नहीं हुआ है, मतलब हम उसमें अभी और सॉल्यूट मिला सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है हमारे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जितनी अमाउंट सोल्यूट की मैक्सिमम डिजोल्व हो सकती थी हमने उसको डिजोल्व कर दिया, अब उसके बाद उसमें और ज्यादा अमाउंट डिजोल्व नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड, इसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, जितनी अमाउंट जितना सोल्यूट रिक्वायर्ड था सेचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उससे ज्यादा अगर हम सोल्यूट को डिजोल्व करें, उससे ज्यादा सोल्यूट को हम ऐड कर दें, तो फिर वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जो रेट ऑफ डिजोल्यूशन है
वो ज्यादा होती है, किससे? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। जबकि सेचुरेटेड में रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों क्या होती है? इक्वल। जितनी रेट से वह डिसोल्व होता है सेम उसी रेट में क्रिस्टलाइजेशन होता जाता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड में क्या होगा? जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसकी रेट क्या होगी? ग्रेटर देन होगी, किससे? रेट ऑफ डिसोल्यूशन से। इसलिए इसमें डिसोल्व होने की जो रेट है वो तो कम होगी और जो क्रिस्टलाइजेशन बनने की रेट है वो क्या होगी? ज्यादा। इससे सोचो हम क्या बोलेंगे? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वही है, टर्म तो क्या है? सॉल्युबिलिटी। बस डिफरेंस क्या है कि इस बार हम लिक्विड में किसको डिसोल्व कर रहे हैं? सॉलिड को। तो डेफिनेशन क्या होगी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट। क्योंकि अब लिक्विड है तो लिक्विड कोई सा भी हम लिक्विड यूज कर सकते हैं, तो 100 ग्राम लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसको अफेक्ट करने के कुछ फैक्टर होते हैं, हम एक एक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो बच्चों, आपने सुना होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि जो पोलर सॉल्यूट है वह पोलर सॉल्वेंट में और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। जैसे मान लो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, NaCl, KCl, आयनिक है, इनका क्या हो सकता है? आयोनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होंगे? पोलर है, आयन बनाते हैं, तो ये क्या होंगे? वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबल इन वाटर। हमने एक चीज और पढ़ी है इन आयनिक कंपाउंड के बारे में, अगर आयनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तब तो आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो वाटर में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल या लेस सोल्यूबल। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ये था हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो पोलर होते हैं वो तो पोलर सॉल्वेंट में, अगर मान लो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, जैसे कि I2 सॉलिड है, P4 फॉस्फोरस है, सल्फर 8 यानी कि सल्फर मॉलिक्यूल है, S8, तो ये ज्यादा सोल्यूबल किसमें होंगे?
नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और अब नॉन पोलर सॉल्वेंट के हमारे पास में एग्जांपल क्या है, जैसे कि CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ईथर, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तब ये उनमें ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास में, ये तो हो गया पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर। देखो बच्चों, रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा उसको देखेंगे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, यह हीट रिलीज होगा, इनके लिए डेल एच क्या होता है, नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसोल्व किया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चेटेलियर प्रिंसिपल जानते हैं ना हम, कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो उसके अंदर कुछ चेंज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, उस चेंज को नेग्लिजिबल करने के लिए, नलिफाई करने के लिए। अब देखो रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक, हीट किस साइड में है, प्रोडक्ट की साइड में, हमने क्या इंक्रीज किया, टेम्परेचर, यहां यहां पर टेम्परेचर, हीट क्या है ज्यादा, यहां पर क्या है कम, तो बैलेंस करने के लिए, इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड बैकवर्ड। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, सॉलिड अलग सॉल्वेंट अलग, इस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तभी तो जब हम घर में खाना बनाते हैं और जब खीर ठंडी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, गाढ़ी, क्यों, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम, एक्सोथर्मिक थी ना, ठंडी हो रही है मतलब जो हीट है वो रिलीज हो रही है, तो रिलीज होने के बाद सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम। लेकिन अगर मान लो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होती है, इन विच हीट इज गिवन, जिनमें हीट दी जाती है, कैसे लिख सकता हूं मैं, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट रिवर्सिबल सॉल्यूशन, ये है हमारी रिएक्शन। इनके लिए डेल एच एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं। अब मान लो कि मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हीट क्या हुई है, इंक्रीज, किस साइड, रिएक्टेंट की साइड,
तो अकॉर्डिंग टू ली चेटिलियर प्रिंसिपल, अब किधर की ओर हीट कम है, इधर, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्या ज्यादा बनेगा, सॉल्यूशन, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बच्चों अगर हम बात करें टेम्परेचर की, सॉलिड इन लिक्विड में रिएक्शन एक्सो है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन इसका भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे कि हम बात करें एक सॉल्ट के बारे में, ग्लोबर सॉल्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, लिख देता हूं मैं, ग्लोबर्स सॉल्ट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O डेका हाइड्रेट, यह इसका एक्सेप्शन है। एक और होता है सेरिक सल्फेट, लेकिन ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है। अब ये क्या एक्सेप्शन है, इस ये क्या करता है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ग्लोबल सॉल्ट भी क्या होगी, इंक्रीज, कब तक, अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेट है, कहीं पर 32 लिखा हुआ है, कहीं पर 32.5 भी है, लेकिन उसके बाद जब हम और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सोल्युबिलिटी होती है वह क्या हो जाती है, डिक्रीज। कारण क्या है, ये डेका हाइड्रेट होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं और केवल क्या बच जाता है, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लेकिन बच्चों सॉलिड की सोल्युबिलिटी पर इन लिक्विड प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। रीजन क्या है, जो सॉलिड है वो भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल, इसलिए प्रेशर यहां पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। फिर कहां डालेगा, जब हम किसको सोल्युबल करेंगे, गैस को, ठीक है, पढ़ते हैं हम नया टॉपिक। Solubility of gas in liquid. इसके पहले हमने क्या पढ़ा, Solubility of solid in liquid. अब क्या पढ़ रहे हैं, Solubility of gas in liquid. तो definition में कोई ज्यादा difference नहीं आएगा, केवल क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं, the maximum volume of gas, वहां क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, या क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्वड इन लिक्विड, आप चाहो तो 100 ग्राम बोल दो, दैट कैन बी डिसॉल्वड 100 ग्राम लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, तो इस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, सेम जो डेफिनेशन थी वही यहां पर है। अब बच्चों जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वह डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पर। अगर किसी गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, ग्रेटर है, तो उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वह भी क्या होगी, ज्यादा। क्यों, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है क्या, ये क्या है, तो हम बात करें तो तुम क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ गैस
या द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्वड इन 1 ml वाटर, 1 ml वाटर में जितने सेंटीमीटर क्यूब, जितना वॉल्यूम गैस का डिसॉल्व है वही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। जो मान लो किसी के 5 ml 1 ml वाटर में डिसॉल्व है और किसी के 4 ml, तो किसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा हुआ, 5 वाले का, इसका मतलब उसकी क्या ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी। अब हम हर गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट तो याद कर नहीं सकते, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी गैस का ऑर्डर ज्यादा होता है, कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, पहले मैं आपको लिख देता हूं एक ऑर्डर। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें गैस के सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, N2 गैस, इससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है O2 की, इससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है एसिटाइलीन गैस की, इससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है CO2 गैस की, इससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, इससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है SO2 की, उसके बाद HCl देन अमोनिया। ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर मैंने किस बेसिस पर अरेंज किया है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बेसिस पर, मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट किसका होता है, अमोनिया का। ये कुछ गैसों का ऑर्डर लिया है हमने। अब इस ऑर्डर को हम कैसे याद करें, बोर्ड के हिसाब से मान लीजिए आप, तो एक सिंपल सी ट्रिक हम बना सकते हैं। सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है, नो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो एसिटाइलीन CO2 पर आसान, इस पर का कोई यूज नहीं, सो एसिड नहीं आया, यहां आया का हमारे पास कोई यूज नहीं, तो ट्रिक हो गई सिंपल सी, नो एसिटाइलीन CO2 पर हंसा सो एसिड नहीं आया। इस ट्रिक की बेसिस पर हम ये ऑर्डर को याद कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद है हमारे पास वही फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। जैसे हमने पढ़े थे सॉलिड इन लिक्विड के फैक्टर, वैसे ही इसके भी कुछ फैक्टर है। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ अ गैस। अगर बच्चों मान लो जो गैस है वह सॉल्वेंट के साथ, वह वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वह ज्यादा सोल्यूबल होगी, जैसे कि अमोनिया है, HCl है, SO2 है, ये गैसें वाटर के साथ रिएक्ट करती है या वाटर में आयोनाइज हो जाती है, इसलिए क्या होगी, ज्यादा सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल। लेकिन वो गैसें O2, N2 जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो वाटर में क्या होती है, इनसोल्यूबल या लेस सोल्यूबल होती है। क्लियर? दूसरा फैक्टर हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सेम फैक्टर है, सोल्यूट कौन है, गैस, सोलवेंट कौन है, लिक्विड। हमने इसके पहले भी पढ़ा लाइक डिसोल्व लाइक, यानी कि अगर जो गैस है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दोनों पोलर है, दोनों क्या है, पोलर, जैसे कि HCl हुई, अमोनिया हो गई हमारे पास, SO2 हो गई, ये सब गैसें क्या होती है, पोलर। इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट
यानी कि H2O में ज्यादा सोल्यूबल होती है। लेकिन जो गैसें नॉन पोलर होती है जैसे कि O2 हो गई, N2 हो गई, CO2 हो गई, यह वाटर में लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल होती है। ये इथेनॉल में मोर सोल्यूबल होती है। और जो O2 है यह हमारे ब्लड के अंदर भी रेडीली सोल्यूबल होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा जो फैक्टर है वह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो बच्चों, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मालूम पड़ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। देखते हैं अकॉर्डिंग टू लीचेडेलियर प्रिंसिपल, ये गैस प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल, सॉल्यूशन प्लस हीट, डेल एच क्या होगा? नेगेटिव। तो वही, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज किया तो अकॉर्डिंग टू लीचेडेलियर प्रिंसिपल हीट कहां ज्यादा है? प्रोडक्ट की साइड। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड में, बैकवर्ड में। तो क्या बनेगा? गैस और सॉल्वेंट दोनों क्या हो जाएगी? सेपरेट, मतलब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। तभी तो जब हम कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं और जब वो गर्म हो जाती है तो फिर पीने में मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें से जो गैस होती है ना वो बाहर निकल जाती है। तभी तो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक यानी उसको ठंडा करके पियो ताकि गैस उसमें मौजूद रहे। ये हो गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ये भी हम जानते हैं अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज। गैस क्या है? कंप्रेसिबल है। तो गैस क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब जो सोल्यूबिलिटी है इन लिक्विड वो भी क्या होगी? इंक्रीज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हेनरी लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? हेनरी लॉ।